वर्षों से बंद पड़ा हुआ महालक्ष्मी एग्रो प्रोडक्ट का आज हम यहां पर नीलामी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिलकर यह डिसीजन लिया है और सारे मैनेजमेंट का भी यही फैसला है। बोली 1,20,00,000 से शुरू होगी। आप लोग बोली लगाएं। सरकार की पहली बोली है 1,20,00,000। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2। आगे बोलिए, 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 आगे बोलिए, बोली लगाइए। कोई फायदा नहीं है बोली बढ़ाकर। 3 करोड़ 1। बोली रोको। आइए आइए, वो आप आए नहीं थे ना, इसीलिए मैं आपकी तरफ से बोली लगा रहा था। मेरे तरफ से क्या जरूरत थी, कंपनी के नाम से बोली लगाते। आपका नाम लेने के लिए कलेजा चाहिए जो इसके पास नहीं है। ये हर वक्त आपकी चापलूसी करके आपके बिजनेस में पार्टनर बन गया। आज अपने स्वार्थ के लिए इसने आपको जान से मारने की कोशिश की। इसने आपकी गाड़ी को उड़ाने का बंदोबस्त कर रखा था, लेकिन इत्तेफाक से गाड़ी लेकर आज मैं गया। वो तो अच्छा हुआ कि आप बच गए, कि असलियत का पता चल गया। आइए इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाइए इसको। छी, तूने मेरा पैसा लिया होता तो मुझे दुख नहीं होता, मुझसे मेरी जायदाद ले लिया होता तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। दाने दाने को मोहताज थे, मैंने जानता था तुम इतने बेमान निकलोगे। मैंने अपनी पुरानी दोस्ती को याद करके तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनर बनाया। तुम एक दिन भी फैक्ट्री में नहीं आए, लेकिन मैं अपने हर फायदे में से तुम्हें बराबर का हिस्सा भेजता रहा, और तूने मुझे ही मारने की कोशिश की। आज से, अभी से तुम्हारा इस फैक्ट्री से कोई संबंध नहीं है। नहीं सर, इसे ऐसे छोड़ देना ठीक नहीं है। इंसान से शब्दों में बात करनी चाहिए, पर ऐसे दगाबाज को चप्पल से मारना चाहिए, जूतों से मारना चाहिए। मैं कौन हूँ बताओ? ए, क्या कर रहे हो? आंखें बंद करोगी तो देखूंगी कैसे? काम कर रही हूँ, दिखाई नहीं देता। अरे मेरी चंपा कली, तू कार का टायर है तो तुझसे चिपक कर रहने वाला ट्यूब हूँ मैं। ये ट्यूब एक दिन पंचर होगा। क्या है ये, तू बार बार बोल कर परेशान कर रही है। तू बोलता रहे, मेरा भाई कहीं और शादी करा देगा। अरे ऐसे कैसे करवा देगा, नमक में दाल, इतनी बड़ी बड़ी मूछें लगाने वाला बेवकूफ कहीं का। वो बेवकूफ नहीं है। वो नहीं है, तू तो है, चालाक है। मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है ना, वो सारी की सारी अकेले हड़पना चाहता है। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए सोच रहा है क्या वो? हाँ तो भी तेरा ब्रदर मुझे कितना दहेज देने के लिए सोच रहा है। वो बंद कर, तू दहेज लेगा? दहेज मेरा भैया शादी करने वाले से उल्टा दहेज लेगा। क्या है ये, तू से शादी करने के लिए मुझे उल्टा दहेज देना पड़ेगा क्या? तेरे भैया को एंगेज करवा कर वो 10 पैसे भी दहेज लिए बगैर तू से शादी करूंगा? नहीं किया तो मेरा नाम मोहन नहीं, समझी क्या? बातों से नहीं, करके दिखा। ये देखो कहाँ गया साहब जी। साहब जी, अरे आप यहाँ हैं साहब जी। अगर ऊपर से भी ढक दिया जाए एकदम शमशान लगेगा। जो मुंह में आए बकमत, ये खून की गर्मी कम करने के लिए है। गर्मी के लिए है? हम जैसे गरीब लोग इतना सा खाने के लिए इतना कष्ट करते हैं, तुम्हें पता है, और आप जैसे बड़े लोग ठंडा करने के लिए ऐसे हरकतें करते हैं। ये कौन सा तरीका है, राक्षसों की तरह खा रहा है। मेरे सामने मत खा, भूख के मारे बुरा हाल है मेरा। तुम्हें सब्र करने के लिए एक कहानी बोलूं क्या? चला कहानी सुना दे, कुछ तो मेरा ध्यान बटे। हाँ तो कब की पुराने, एक गांव में बहुत पैसे वाला एक आदमी था। वो कितना भी कमाए पर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी। मेरी कहानी मुझे ही सुना रहा है क्या? बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो जी, ब्रेक मत डालो आप। उसका नाम था अलेक्जेंडर। देश विदेश जीतने के बाद आखिर में मरते वक्त भी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बोल रहा था। क्या कह रहा था? उसने ये कहा, मेरे मरने के बाद मेरे हाथ ऊपर रखकर दफनाओ, यही इच्छा है मेरी। किसके लिए? पूरी दुनिया का विजेता अलेक्जेंडर जाते समय खाली हाथ गया, दुनिया को ये सबक देना चाहता था वो। ठीक है, लेकिन ये कहानी मुझे क्यों सुना रहा है? जितना है उसमें तृप्त नहीं होकर और की चाह करने वाले की बुद्धि बदलने के लिए। तुम भी इस कहानी से सबक लो, नहीं तो एक दिन तुम्हारा भी बंटा थार हो जाएगा। अब कोई फायदा नहीं। हाँ, मैंने सोच लिया है, अगर तूने मेरा हाथ बाहर निकाल लिया तो मैं अपनी जायदाद में से आधी तुझे दे दूंगा। थैंक्स जी। तुम्हारे शरीर में बहुत से रोग है तो क्या हुआ, तुम्हारा दिल तो बहुत अच्छा है। आइए उठिए, आहिस्ता। तेरी ऐसी की तैसी, इतनी स्टोरी तो मुझे भी पता है। मैंने अपनी जायदाद में से आधी देने की बात कही तो कुत्ते की तरह थैंक्स। तू क्या समझता है, चप्पल की मार खाकर मैं चुप बैठा रहूंगा? तू देखता जा, इस खड्डे में रहकर उसके लिए खड्डा खोदूंगा। संभल के, संभल के, अरे संभल के उठाओ, चलो चलो जल्दी अस्पताल लेके चलते हैं।
बेटा मेरी तस्वीर बनाओगे? बनाऊंगा पिताजी, लेकिन मेरा पैर। रंगानायडू जी, फैक्ट्री रूल के हिसाब से नौकरी आपके बेटे को दी जाएगी। पर इसकी पढ़ाई? परवाह नहीं माँ, एक पिता अपने बेटे को सिर्फ पढ़ाई तक पढ़ाता है, लेकिन मेरे पिताजी ने तो मुझे नौकरी भी दिलाई है। ए तो कॉफी निकाल रहे? हाँ बोलो साहब, क्या दो? एक डोसा लेकर। डोसा नहीं है। नहीं है तो फिर क्या है? तुम यहाँ आओगे, सपना देखा था क्या? आटा खत्म, चपाती लाओ क्या? ठीक है लेकर आ। सिंगल चपाती। घर के ऊपर टीन नहीं है तो क्या है, नेम प्लेट का बोर्ड तो लगा है। क्या चाहिए? क्या जी, पैर निकाले बिना बोल नहीं सकता हूँ क्या? तुझे क्या खाना ये बता। यहाँ खाने के लिए क्या है वो बता। इडली उपमा चपाती। इडली कितने की है? ₹3। चटनी फ्री है? फ्री है। उपमा ₹5। चटनी कितने की है? फ्री है। फ्री है। दो प्लेट चटनी लेकर आ। चटनी? हाँ। खाली चटनी का क्या करेगा? सर से लेकर पैरों तक नहा लूंगा, तू लेकर तो आ। क्या आदमी है, चटनी से नहाएगा। ए तुझे दिखाता हूँ छोटी सी झलक, पहले लेकर तो आ। क्या है ये सब? इस होटल में चिदंबर की चपाती खाने से अच्छा है कि टूटी हुई हवाई चप्पल खींच खींच कर खा लो। ये देखूं, थैंक यू। जब भी कोई लड़की देखूं दीवाना बोले, डोसा और चटनी खाए तो हैप्पी हैप्पी हैप्पी। क्या कर लोगे इसको खाए तो आओ। चिदम्बरम, चिदम्बरम। क्या रे, बल की तरफ क्यों भड़क रहा है? क्या रे, डोसा के लिए आटा नहीं है? हाँ तो डोसा कैसे खा रहा है? कैसे डोसे? फिर नहीं मिलेगा। अरे रे रुक रुक रुक, अरे ए, ये डोसे तूने कहाँ से लाए? कहाँ से आया क्या, घर से लाया था। घर से लेकर आया था तू? हाँ। अरे चटनी के पैसे दे। चटनी के लिए? तू तो बोला फ्री है। यानी वैसा फ्री नहीं, टिफिन के साथ फ्री है। लेकिन तुम मुझे टिफिन नहीं दिए ना। हाँ मगर तुमने टिफिन मांगा ही नहीं। लेकिन चटनी फ्री बोला ना। हाँ तो चटनी फ्री है ना। अरे चटनी फ्री बोला ना। अरे चटनी फ्री बोला ना। टिफिन के साथ फ्री है बोला। फ्री बोला ना। चटनी के पैसे दे। अरे चटनी के पैसे दे। क्या भैया क्यों झगड़ा कर रहे हो? अप्पा जी, अप्पा जी, तू उसे जानती है क्या? जहाँ काम करती हूँ ये साहब उनके ड्राइवर का काम करते हैं। हम प्यार करते हैं, सुहागरात भी हो गई। हाँ? सुहागरात नहीं हुई है, तेरी दाल में नमक, शादी शादी के बाद होगी। मेरी बहन से शादी करने वाला कोई ड्राइवर वाइवर नहीं होगा, उल्टा दहेज देने वाला चाहिए। ज्यादा उल्टा सीधा बोला तो बहुत मारूंगा, चल जाए यहाँ से। जा। जाता हूँ साले जी। जाता है कि नहीं? अप्पू। अप्पू नहीं, पप्पू नहीं, तू अंदर जा, जाकर आटा गूंद, जा। ड्राइवर से शादी करेगी। भास्कर, निर्मला तुम इधर? चलो नाम तो याद है तुम्हें, मुझे लगा कॉलेज छूटते ही भूल जाओगे। भूल जाना बेहतर है। देखो ऐसी बातें करोगे तो मुझे गुस्सा आता है। तुम अमीर हो, हम गरीब हैं, हम दोनों में प्यार नहीं हो सकता, हमारी शादी नहीं होगी, कब ये बातें छोड़ोगे? भैया अरे निमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया ये मेरा फ्रेंड भास्कर। नमस्ते। अच्छा आर्टिस्ट है, पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। बेचारा, ऐसा है क्या? शायद टाइम अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए ब्रश के बजाय पाना पकड़ना पड़ रहा है। भैया इसके पिताजी का हमारे फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, इसकी पढ़ाई छूट गई और ये फैक्ट्री में वर्कर है। इतना बड़ा भविष्य का आर्टिस्ट और फैक्ट्री में वर्कर, ऐसा है क्या? प्रतिभा होने के बावजूद भी मौका न मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी पेंटिंग का एग्जीबिशन रखूंगा और सारी दुनिया को दिखाऊंगा तुम्हारी प्रतिभा को। अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा ना भैया। देखो जापान से मशीन आई हुई, उसकी कस्टम ड्यूटी क्लियर करवाने जा रहा हूँ, आते ही तुम्हारी एग्जीबिशन का बंदोबस्त करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कांग्रेट्स। सनी, सनी। छोटे साहब आ गया। क्या क्या डैडी, ये जेल का माहौल मुझे पसंद नहीं। तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो तुम्हें कीचड़ के हॉस्पिटल में दाखिल कर देते हैं। देखो सनी,
हम कितना भी बड़ा लॉयर करें लेकिन ये केस हम नहीं जीत सकते, इसीलिए अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ। वो घर में शांति से रहे और छोटे साहब जेल में तो लोग कायर कहेंगे। सनी, ये तो बेवकूफ कथा है, इसकी बात छोड़। देख, तुझे इस हालत में पहुंचाने वाले उस चक्रमणि को छोड़ूंगा नहीं। जैसे मुझसे मेरा बेटा दूर हुआ उससे भी उसका बेटा दूर कर दूंगा, जैसे मैं फैक्ट्री से दूर हुआ उसे भी दूर कर दूंगा। इस मधुसूदन से उसने क्यों पंगा लिया ये सोचकर वो जिंदगी भर रोएगा। हाँ, इस शिकार के लिए तो जाल बिछा चुका हूं। पूछे बगैर ये जाने बगैर मैं आपको यहाँ पर लाई हूँ, क्या हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते? हाँ, हम और फ्रेंड्स। यस, प्लीज बैठिए, मैं आती हूँ। आपके लिए एक पजल। हाँ। ये कोल्ड ड्रिंक पीते पीते आप सोचिए कि मैं कौन हूँ। करेक्ट आंसर देने के लिए मैं आपको एक अच्छे से गिफ्ट दूंगी।
मुझको ये क्या हो गया। एक सा ही हाल है मैं कहूँ तो क्या साथिया बेदिया तेरे बिन ना लागे अब जिया आके तेरे पास मुझको ये क्या हो गया। एक सा ही हाल है मैं कहूँ तो क्या खबर नहीं ये इश्क है नया कभी नहीं हुआ था पहले अब जो हो रहा ये दिल मेरा गया कभी से ये मेरा हाल है तो आगे आगे होगा क्या कहा होगा जो देखा जाएगा तुम ऐसे ना तो कुछ कहो। दिल की अगन बन गई है लगन ओ मेरे सजन मैं क्या करूं। एक सा ही हाल है मैं कहूँ तो क्या आके तेरे पास मुझको ये क्या हो। कल ये सारी दुनिया नई सी लगे कहूं मैं क्या भला मैंने तो वो भी सुन लिया है तूने जो ना कहा कैसे ये हो गया। हर पल है अब दिन मेरा हर दिन मुझको बरस लगे तेरी ऐसी बात से ही दिल में कहीं कहीं अरमान जगे नाम की तेरे और सनम मेरे सामने ही तेरे आए भरूं आके तेरे पास मुझको ये क्या हो गया। एक सा ही हाल है मैं कहूँ तो क्या साथिया बेलिया तेरे बिना लागे अब जी।